उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर कूलियों ने भाप के इंजन का अनोखा जन्मदिन मनाया। दरअसल हर साल कूली अपने प्रिय इंजन का जन्मदिन मनाते हुए दिखाई देते हैं और इस बार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े इंजन का 46वां जन्मदिन था, जिसको लेकर इंजन को मालाओं से सजाकर केक भी काटा गया। 70 के दशक में नॉर्गेज लाइन बंद होने के बाद ये इंजन बेकार खड़ा है। रेलवे ने इस इंजन को स्टेशन परिसर के बाहर यादगार के रूप में खड़ा कर दिया है। उज्जैन आगर के बीच 70 के दशक के पूर्व नैरो गेज ट्रेन का संचालन किया जाता है। 46 साल पूर्व भाप का इंजन उज्जैन लाया गया था। इस इंजन से नैरो गेज ट्रेन को संचालन किया जाता था। नैरो गेज ट्रेन बंद होने के बाद से इंजन बेकार खड़ा था। कुछ वर्षों पूर्व रेलवे शासन ने इंजन को यादगार के रूप में स्टेशन परिसर में खड़ा कर दिया। शफी बाबा के अनुसार उन्होंने इस ट्रेन में चाय बेची थी और इस इंजन से सालों की यादें उनकी और उनके कूली भाइयों की जुड़ी हुई है। इस कारण वो लगातार इस इंजन का जन्मदिन मनाते हैं। शफी बाबा के अनुसार नॉर्गेंज में ट्रेन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वे इंदिरा गांधी ने भी सफर किया था, इस कारण भी यह इंजन ऐतिहासिक है। कभी जीवाजी राव सिंधिया की धरोहर रहा भाप का यह इंजन अब रेलवे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहा है, साथ ही उन दिनों की यादें ताजा कर देता है जब कभी इसमें बैठकर इंदिरा गांधी, नेहरूजी और स्वयं जीवाजी राव सिंधिया ने सफर किया था। इसलिए बनाया है कि जीवाजी राव सिंधिया, स्वर्गीय जीवाजी राव सिंधिया का धरोहर था और ये आगर तक जाया करता था। आगर तक क्या के कोई बड़े वाहन थे नहीं, इसलिए छोटे मोटे वाहन थे तो बेचारे यात्रियों को परेशानी होती थी, तो 6 डब्बे की गाड़ी चलती थी, तो वहाँ से बैठा के गरीबों को बैठा के लाता था, मरीजों को लाते थे, कोई दवा के लिए आते थे, ऐसे सबको ये बैठा के लाते थे। उसके अंदर मेरे को मोहब्बत इसलिए है कि उस गाड़ी के अंदर मैंने गोलियाँ टॉफी बेची है, वो गोली टॉफी हम बेच के जाया करते थे। तो कभी बाय चांस तो जीवाजी राव सिंधिया जी वहाँ आते थे तो वो बोलते धंधा हुआ कि नहीं, मैं साहब कहाँ हुआ, बोले यात्री से ईमानदार धंधा करना भिंडाओ साहब, तो एक चवन्नी सबको देते थे, इसलिए हमको उससे मोहब्बत है, इससे लगाव है, इसलिए हम इसका जन्मदिन मनाते हैं। 46 साल का हो गया, 86 साल का, ये कम से कम मुझे होगा 10-12 साल हो गया मनाते हुए। और इसमें किन किन लोगों ने अभी तक सफर करा था जब इसके इसके अंदर अपने नेहरू जी और इंदिरा जी, ये दोनों बैठ के आगरा तक गए थे, वो जीवाजी राव सिंधिया के साथ में गए थे। उसके बाद में जीवाजी राव सिंधिया ने धरोहर गवर्नमेंट को दे दिया था।